बच्चों अब हम आपका संबोल लेकर चलते हैं। आपको तो पता ही है इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है। ये बड़ा अजीबोगरीब और खूबसूरत शहर है। इसकी खास बात ये है कि ये आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है, ना हैरत की बात। दरअसल यहाँ इस्तांबुल शहर के दरमियान में से एक समंदरी नहर गुजरती है। इस नहर को आबनाए बास्पोरस कहते हैं। ये नहर एशिया और यूरोप के दरमियान सरहद का काम करती है। इस नहर ने इस्तांबुल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस तरह आधा इस्तांबुल यूरोप में आ गया और आधा एशिया में। समझ आया? ये जो लंबा पुल नजर आ रहा है ये इसी बास्पोरस नहर के ऊपर बना हुआ है। ये एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है। इस पुल के अलावा लोग एशिया और यूरोप के दरमियान आने जाने के लिए बहरी जहाज में भी सफर करते हैं। और इन जहाजों में आदमी ही नहीं पूरी पूरी कार सवारी करती हुई एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाती है। इन जहाजों को फेरी कहते हैं और ये 20 मिनट में एशिया और यूरोप का दरमियानी फासला तय कर लेती है। फेरी जब समंदर में चल रही होती है तो बेशुमार समंदरी परिंदे उसके साथ साथ उड़ते हुए चलते हैं। बच्चों इस्तांबुल बहुत पुराना शहर है। पहले इसका नाम कुस्तुनतुनिया था। इस वक्त यहाँ पर ईसाई बादशाह हुकूमत करता था। 16वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने उसको फतह किया तो इस शहर का नाम इस्तांबुल रखा। इस्तांबुल 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है। मुसलमानों ने फतह के बाद हर पहाड़ी की चोटी पर एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। इन मस्जिदों की तादाद में इजाफा होता रहा और आज इस्तांबुल मस्जिदों का शहर कहलाता है। नीली मस्जिद, सुलेमानिया मस्जिद, आया सोफिया मस्जिद यहाँ की बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें हैं। और अब आए यहाँ के मशहूर अजायब घर तोप कापी चलते हैं। इस अजायब घर में पुराने बादशाहों के इस्तेमाल की अजीबोगरीब और कीमती चीजों का एक जखीरा है। सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, कीमती खंजर, लिबास, तख्तोताज और दीगर सामान को देखकर आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। इस अजायब घर का सबसे अहम हिस्सा वो है जहाँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम के इस्तेमाल की चीजें रखी हैं। ये देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की तलवारें हैं।
और ये देखे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तलवार, वो मोहर जो आप खतों पर लगाते थे, हुजूर की दाढ़ी का बाल, उस जबिया में हुजूर का वो दांत है जो गज़वे उहद में शहीद हो गया था। और इस बड़े बक्स में हुजूर की चादर रखी हुई है। सब चीजों को देखकर बड़ी हैरत होती है कि इतनी पुरानी चीजों को अब तक कैसे हिफाजत से रखा गया है। बच्चों, सैर करते हुए काफी देर हो गई है, मेरा ख्याल है अब कुछ खा पी लेते हैं। आपको भी यकीन भूख लग रही होगी, चले ये देखें ये क्या हो रहा है। और ये देखें, समंदर में डोलती कश्ती में मछलियाँ तली जा रही हैं। ये लजीज मछली भी डबल रोटी में डालकर खाई जाती है। और ये रेड़े वाला क्या ला रहा है? ओहो, ये तो रिंगो बिस्किट है। ये लड़का जो चीज बेच रहा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जायका बिल्कुल हमारी जलेबी की तरह है। ये देखे, इन लोगों को भी लगता है भूख लगी है, इसलिए समंदर में कांटा डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। चले अब इस्तांबुल के मरकज तकसीम चौक चलते हैं। यहाँ फूलों की खूबसूरत दुकानें हैं, जिनकी वजह से तकसीम चौक बहुत अच्छा लगता है। अरे ये सामने मेट्रो ट्रेन जा रही है, मुझे भी एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं तो इस मेट्रो में बैठकर जा रही हूँ। इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़।